हेलो गाइज़, वेलकम है आपका हमारे नए ब्लॉग में। मैं आपकी ज्योति आपका स्वागत करती हूँ। तो गाइज़, आज हम लोग जाने वाले हैं जंतर मंतर, जहाँ पहले तो मुझे पता ही था कि बनारस में भी जंतर मंतर है, लेकिन यहाँ पे भी एक जंतर मंतर है। तो चलिए मैं आपको वहाँ का आज व्यू दिखाती हूँ। अभी हम लोग थोड़ी ही देर में यहाँ से निकलेंगे। अभी आर्यन गया हुआ है कुछ लाने के लिए, वो आता है तो हम लोग चलते हैं वहाँ पर। तो गाइज़, मिलते हैं आपको अब जंतर मंतर में। मतलब बहुत ही अमेजिंग है, और मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप ये कहें कि नहीं यार यहाँ नहीं खड़े होना है, दो मिनट अपना टाइम नहीं देना है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आप जहाँ भी खड़े हो जाएंगे आपकी निगाहें टिक सी जाएंगी, क्योंकि इतना अमेजिंग है ये। तो जितना हो सके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो गाइस, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। तो आइए हम आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं, बहुत ही सुंदर है। आइए चले चलते हैं। हम लोग टिकट काउंटर पहुँच चुके हैं। यहाँ का प्राइस, टिकट का यहाँ का प्राइस, भैया क्या कितना प्राइस है यहाँ का? 25 रुपीज़ पर पर्सन प्राइस है यहाँ पे अंदर जाने के लिए। दो टिकट दे दीजिए। तो अभी हम लोग को मास्क लगाना पड़ रहा है क्योंकि अंदर जाना है। वो देखिए, वो वहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे ऊंचे में, वो देखिए, वो पानी की टंकी है ना? हाँ, नहीं आई, चल चलते अंदर। यहाँ पे चेकिंग पॉइंट भी लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं चेकिंग करवा रहे हैं वगैरह। अरे यहाँ पे ये वॉल पे क्या लगा हुआ है? LED है शायद। एक्सक्यूज मी, ये LED है? यहाँ पे LED लगी हुई है। अब जरा सामने से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये पूरा वुड पे बना हुआ है। पूरा बनारस का ये घाट है जो कि एकदम लकड़ी पे बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये दशाश्वमेध घाट है शायद, ये आपका दशाश्वमेध घाट है। वो देखिए, वाह शिव जी, क्या लिखा है? टच करना मना है इसको। तो आइए चल चलते हैं अंदर। वाह, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा प्रोजेक्टर लगा हुआ है यहाँ पे, जिसमें आपको विश्वनाथ टेम्पल दिखाया जा रहा है इस समय। वाह, जैसे लग रहा है कि मैं मंदिर के अंदर ही खड़ी हुई हूँ इस समय। वाह, ये प्रोजेक्टर ऐसे चल रहा है, यूँ घूम रहा है, जैसे लग रहा है कि मैं खड़ी हुई हूँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं चल रही हूँ उसके अंदर। वाह, इसमें बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर के साइड में प्रोजेक्टर लगा हुआ है। वाह, ये बनारस हमारा पहले कैसा होता था और अब किस तरह से ये सारी चीज़ें इस प्रोजेक्टर से दर्शाई जा रही हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं, आपको आगे का सीन दिखाते हैं यहाँ का। ये देखिए, ये देखिए, अब यहाँ पे सारनाथ के बारे में बता रहे हैं। ये हमारा सारनाथ है, बहुत ही खूबसूरत, मतलब अब और भी पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है। वहाँ पे आप जाएंगे तो मतलब वो 5 या 6 बजे तक ही ओपन रहता है। वाह, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। तो चलिए गाइस चलते हैं, आपको आगे का भी दिखाते हैं। पान खिलाएंगे? अरे ये पान वाला, मतलब पान कैसे खिलाऊंगी, नकली है, ध्यान से देखो। नहीं नहीं नहीं, टच करना मना है, टच करना मना है। आर्यन को लग रहा था कि ये असली है, आर्यन को पान खाना था यहाँ का। ये देखिए आप, LED पे पूरा आपको एक पूरा तरीका बताया जाता है कि कैसे पान बनता है। एक मिनट, पूरा दिखाइए इसको कैसे बनता है, 1 सेकंड का होगा ये वीडियो। पूरी देखिए बिना स्किप करे, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये। ये जो बैठे हुए हैं, जैसे लग रहे हैं रियल स्टैच्यू लग रहा है ये, मतलब लग रहा है कि अब नहीं, अब बोल देगा कि मैम पान खा लीजिए आप। बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है, जैसे लग रहा है कि अभी थोड़ी देर बाद बोलेंगे मैम पान खा लीजिए। ऐसा लग रहा है 2 मिनट बाद बोलेंगे ये। आइए गाइस, तो गाइस ये देखिए आप, पान वाले का क्या हुआ तुम्हारा अभी? आइए गाइस आपको और भी दिखाते हैं यहाँ का। वाओ, ये तो मतलब अभी मैं पलटी, अरे यार दो बंदे कैसे, ये लोग, ये पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, एकदम रियल लग रहा है यार ये देखने में, एकदम रियल।
आप कहीं नहीं सकते हो कि ये वॉल पे बना हुआ है। ए विश्वनाथ गली के अंदर जा रही हूँ मैं, देखिए गाइस बाय, मैं जा रही हूँ, मैं यहीं से निकल के आ रही हूँ अभी। ऐसा लग रहा है कि मैं इसके अंदर से निकल के आ रही हूँ। वाओ विश्वनाथ गली है ये, मैंने आपको अपनी वीडियोस में शायद दिखाया भी हो कि ये विश्वनाथ गली है। आइए उधर भी दिखाती हूँ मैं आपको। यार क्या मतलब हर एक चीज़ रियल लग रही है, हर एक चीज़ रियल लग रही है यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत ये जो आप अभी मूवी देख रहे हैं ये वॉल पे दिखाई जा रही है, यहाँ की वॉल पे ये मूवी चल रही है। वाह बहुत ही खूबसूरत ब्रह्मा जी यहाँ पे गंगा जी कैसे आई उसके बारे में बता रहा है ये मूवी इस बारे में बता रहा है कि कैसे गंगा जी आई थी धरती पर। वाह बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने लोगों की भीड़ भी है, लोग यहाँ पे देख आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, लोग यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, मतलब अलाउ नहीं है कि ज़्यादा लोग आएँ, यहाँ पे केवल क्वांटिटी मतलब केवल 10 मेंबर्स आ सकते हैं या 5 आ सकते हैं, बस इतने ही लोग अंदर आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। कितनी खूबसूरत लग रही है ये, वाह बहुत ही खूबसूरत, इतनी प्यारी लग रही है ये। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से हटने का। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत, वाओ यार ये कितना अच्छा लग रहा है, देख रहे हो ऑरेंज यार। काश कि मुझे पहले भी पता होता कि ये यहाँ पे है, तो मैं ज़रूर आपको पहले ही इसकी वीडियो बना के बता दी आपको। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मतलब कोई भी पार्ट मुझे नहीं लगता कि मुझे स्किप करना है, मैं यहाँ बैठ के देख सकती हूँ आराम से। गाइज आइए मैं दिखाती हूँ साहित्य और पत्र कविता। वाह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये। वाह ये एसी है क्या यार, वाह ये देखिए इन सब चीज़ों से साड़ियाँ बनती हैं, मैं आपको दिखाती हूँ साड़ियाँ बनाने के मटेरियल्स ये हैं, इनसे साड़ियाँ बनती हैं, आप ये देख भी सकते हो यहाँ पे लगी हुई है एक बनारसी साड़ी। वाह और ये पूरा बनारसी साड़ी ही है, ये जो ये प्रोजेक्टर जिस पे चल रहा है वो बनारसी साड़ी ही है, बहुत ही अमेजिंग। पूरा व्यू लीजिए यहाँ का एक बार राउंड से, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अमेजिंग पूरा ये बनारसी साड़ियाँ भी देखिए, इस पर आपको वीडियो में भी दिखाया जा रहा है। वाह गाइस बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे आके, और आगे भी आपको हम दिखाते हैं यार यहाँ पे भी मतलब अरे वाह मतलब ये पूरा इंडियन कल्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, मृदंग वगैरह सारी चीज़ें, तबला है, हारमोनियम है, बांसुरी है, शहनाई है, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ये खुजवा की लकड़ी का खिलौना है ये, वाह यार कितना खूबसूरत लग रहा है ये सारी चीज़ें, नर्म पत्थर की नकाशी गजराज, वाह बहुत ही खूबसूरत, ये क्या है पीतल और तांबे पे, वाह वाह एक मतलब हर एक चीज़ मतलब बहुत ही खूबसूरत,
तो गाइस आइए अंदर आ सकते हैं। जैसे लग रहा है सच में झरना बह रहा हो। देवप्रयाग, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, पटना, गंगा सागर, कोलकाता, ये अद्भुत नज़ारा आप यहाँ खुद आके देखें, इतना खूबसूरत ही लग रहा है। ये घाट है वाराणसी घाट, गंगा महल है। इधर से तो बनाते हैं। तो गाइज़ देखा आपने कितना अमेजिंग था ये। तो गाइज़ अब चलते हैं हम लोग बाहर, और मतलब बहुत ही अच्छा था, बहुत ही खूबसूरत। यही गाइज़ आपको यहाँ का जंतर मंतर दिखाती हूँ मैं। चलिए गाइज़ यहाँ का जंतर मंतर देखते हैं। यार वाओ, ये कितना खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। यार ये कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग। आर्यन देखो, आर्यन तो इतना शॉक्ड है, लाइट्स वगैरह कितनी बढ़िया है, जैसे लग रहा है कि रियल में मतलब आग लगी हुई है और पेड़ के पास। वाओ, टच करके देख लूँ क्या एक बार, कितना अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार। वाओ, मतलब इसे कहते हैं आना सफल हुआ यहाँ पे, मतलब बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, बैठने के लिए सीट्स वगैरह भी हैं, और सारी चीज़ मतलब यहाँ पे एक एक चीज़ एंटिक, मतलब इतना खूबसूरत, मतलब मुझे पता था कि ये खूबसूरत होगा बट इतना होगा ये नहीं पता था मुझे, बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा बनाया गया है भारत के लिए और भारत के लिए गौरव की बात है। जी बहुत बहुत ही, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कि ये है भी यहाँ पे, अचानक से मेरी एक फ्रेंड ने बताया मेरे को, तो फिर भी पता लगा बनारस में रहते हुए वही तो पता लगा, कई बार आया गया इधर से पता नहीं लगा। हाँ वही बात है, मेरे को भी नहीं पता था कि इतना, कई लोग बताए कि बहुत अच्छा लगा, बच्चों को दिखाने लायक है और बच्चों को इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी पड़ेगी, कैसे गंगा अवतरित हुई है। हाँ हाँ, नितिन भैया जी नमस्कार। तो चलिए गाइस आपको आगे बस दिखाते हैं यहाँ पे। और यार ये भी देखिए, ये क्या है भैया? अच्छा अच्छा, ब्रेन का सर्जरी जो किया हुआ था उसके बारे में। अच्छा, ब्रेन की सर्जरी उस समय जो की थी उसके बारे में। यार मतलब यही सब है पूरा, औजार है, ये सारी चीजें हैं, इनसे उन्होंने मतलब ऑपरेशन किया था। पिछले समय में जब मतलब हमारे पास डॉक्टर्स नहीं होती थी, इतनी मेडिकल की सुविधा नहीं होती थी, उसके बाद भी ऋषि मुनि जो हैं उन्होंने अब किसी का ऑपरेशन किया था, आप देख सकते हैं, और ये सारी चीज़ें यूज़ की थी उन्होंने उसके इलाज में। और ये ओरिजिनल है, आप इसको फेक मत समझिएगा, ये ओरिजिनल है यार, वाकई में बहुत ही अच्छी। और ये औषधियाँ मतलब छोटे छोटे बाउल्स में औषधियाँ लगी हुई हैं। भैया तो खा सकते हैं? नहीं। आइए
यहाँ पे भी LED लगी हुई है, डोलचियाँ लगी हुई हैं, उसके अंदर लाइट्स लगी हुई हैं। मुक्ति धाम, इसको कहते हैं मुक्ति धाम। यहाँ पे एक्चुअली में बनारस तो वैसे ही मुक्ति धाम है, लेकिन यहाँ पे एक मुक्ति धाम एक जगह भी है जहाँ पे लोग आके बसते हैं अपने अंत समय में, और उनको एक महीने के लिए वहाँ रहने की जगह भी मिलती है। लेकिन अगर एक महीने में उनकी डेथ नहीं होती है तो उन्हें वापस जाना होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक महीने के लिए मिलता है। और लेकिन बहुत ही अमेजिंग बात है कि मतलब अपनी मौत के लिए यहाँ आना कि ताकि उन्हें जन्नत नसीब हो, इसलिए आइए गाइस। आपको ऊपर तो चाहिए, आपको हम जंतर मंतर दिखाते हैं यहाँ का। आइए गाइस, वाओ कितना बड़ा स्पेस है यहाँ पे यार। जंतर मंतर जाने का, तो ये गाइस जंतर मंतर जाने का रास्ता है। अरे बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं जंतर मंतर में। चोट लगी, छोटा सा गेट है, चोट लग गई, मतलब भूल भुलैया टाइप्स का बना हुआ है ये तो। वाह नीचे से कितना सुंदर लग रहा है ये, ऊपर से आप नीचे देख रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा है ये। लोग यहाँ सेल्फीज ले रहे हैं। ये है यहाँ का जंतर मंतर, जैसे कि पहले के लोग टाइम बता सकते थे धूप की रोशनी से, केवल सूरज की रोशनी जो पड़ती थी इससे, इसी से। यार किस तरह से बना है ये, यहाँ देखो टाइम भी लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए टाइम भी लिखा हुआ है, 12 साढ़े बारह हो गया, 11 हो गया, 11:30 हो गया। वाह ये ऐसे को बनाया गया, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये तो। बस वो लगा हुआ है, इसी से टाइम पता चलते थे। नहीं 4:30 नहीं, 5:15 हो रहा होगा। हाँ 5:15 पे है अभी, देखो आधे पे है ना, इसीलिए। ये देखिए कितना सुंदर है ये, बहुत ही खूबसूरत ये जंतर मंतर है, जिसे कि पहले के समय में राजा लोग टाइमिंग बता देते थे कि कितना बज रहा है इस समय। ये वॉच है, ये घड़ी है, और इस पर टाइमिंग। यार देखो ये, देखो 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 ये जो ये निशान आ रहा है, अनि हटो जरा सा बेटा, रोमन नंबर इसमें लिखा है इसमें। हाँ ये जो टाइम आ रहा है देखो 5 बजने वाला है, तो इसलिए ये जो निशान है यहाँ पे आ रहा है, ये जो लोहा लगा हुआ है इससे आ रहा है। यार कितना खूबसूरत लग रहा है ये, बहुत ही खूबसूरत। वाह तो आइए हम यहाँ का बनारस की खूबसूरती दिखाते हैं अब यहाँ से आपको। हम देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये, मतलब बहुत खूबसूरत। यही समय हम लोग मानसिंह के किले के ऊपर हैं, इस समय मानसिंह के किले के ऊपर हैं, और कितना खूबसूरत लग रहा है आप कितना मतलब देख सकते हैं, मतलब मेरी खुशी तो मेरे चेहरे से ही पता चल रही होगी कि कितना अच्छा लग रहा है। वहाँ से कोने से स्टार्ट करिए और पूरा घाट आपको चांद आकार में दिखेगा, जो कि बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही खूबसूरत है। और नीचे आपको घाट दिख रहा होगा, लोग आते हैं बैठते हैं यहाँ पे। आज हम लोग आपको उस दिन कल हम लोगों ने आपको बताया बोला था कि हम लोग रामनगर के क्या कहते हैं इसको किले के ऊपर आके दिखाएंगे आपको, तो फिर हमने आज आपको दिखा दिया। बहुत आप यहाँ से उस पार भी देख सकते हैं, मैंने वैसे उस पार का भी वीडियो बनाया हुआ है पूरा, आप मेरे नीचे आप क्लिक करेंगे, आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपने देखा ही होगा ऑलरेडी, नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे पोस्ट मिलने देखने को। और अगर नहीं देखा है उस पार का सीन, अगर नहीं देखा है आपने मेरा वो ब्लॉग, तो आप जाइए इस पर आइकन बटन पर लगा होगा और उस पर जाके क्लिक करिए और देखिए मेरा वो वीडियो, वो भी बहुत ही अमेजिंग बना हुआ है यार। अभी तो मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकती, अरे वो वर्ड्स नहीं है मेरे पास इस समय। नहा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। आइए वहाँ से एक बार दिखा देते हैं नीचे बनारस में। आप इधर देखेंगे तो एक शेर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जरा मैं जूम करती हूँ आप देखिए। हाँ ये बनारस के जो डोम राजा हैं, मतलब जो जहाँ पे मणिकंका घाट पे जहाँ पे लोगों को जलाया जाता है वहाँ पे भी एक राजा होते हैं, उन राजा का घर है ये देखिए, एकदम घाट किनारे। मतलब जब कितना अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि मतलब जन्नत, मतलब स्वर्ग, मतलब यहीं पे हैं। तो फाइनली गाइस आपको मैंने सारा यहाँ का सारी चीज़ें दिखा दी, मतलब बहुत ही अमेजिंग है। और मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप ये कहें कि नहीं यार यहाँ नहीं खड़े होना है 2 मिनट,
अपना टाइम नहीं देना है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप जहाँ भी खड़े हो जाएंगे आपकी निगाहें टिक सी जाएंगी, क्योंकि इतना अमेजिंग है ये। और अब चलते हैं, इस ब्लॉग को बंद करते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पे 5 बजे बंद होने का समय है। यहाँ पे आने का टिकट 25 रुपये है, जो कि आप 10 बजे से आ सकते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग का टाइम 5 o'clock पे है। और मास्क इंपॉर्टेंट है, मैं क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी तो इसलिए मैंने मास्क अपने हाथ में ले रखा है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री विदाउट मास्क नहीं है, विद मास्क ही है। और तो गाइस चलिए चलते हैं अब अपने घर, और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो जितना हो सके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको हमारे।